Okay. Hello students, good morning. In the previous video, I have explained all the roles of imperative sentence type 1. Today, I would like to explain all the roles of imperative type 2 and type 3. Type 1 पे मैंने ये कहा था, यदि किसी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो तो जैसे राम सेड, कम टू कम बिगिन, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो राम ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर अब मैं टाइप टू पेज देख जाऊंगा आपको ऐसे इंपरेटिव वाक्य जिनके रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस का प्रयोग हो, जैसे तो लेट अस का प्रयोग हो तो उनको इनडायरेक्ट में बदलते समय हम निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। नंबर एक, रिपोर्टिंग क्लाज के वर्ब सेड को सजेस्टेड तथा सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड टू अथवा प्रपोज्ड टू का हम प्रयोग करते हैं। सजेस्टेड टू अथवा प्रपोज टू का हम प्रयोग करेंगे। केवल पूरे नरेशन पर यहीं पर टू रह जाता है, बाकी हर जगह टू हट जाता है। दूसरा नियम क्या है, रिपोर्टिंग क्लाज तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, लेट को शुड में बदलते हैं। चौथा, अस को नियमानुसार दे में या बी में, अगर यहाँ पर कोई ही सी ही है या यहाँ पर कोई आई बी है। यदि रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट को ठीक समझ लें, यदि रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई बी है तो अस जाएगा बी में, तथा यदि कोई थर्ड पर्सन अर्थात ही सी ऐसा कुछ है तो अस जाएगा दे में। ये बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद लेट को शुड में बदलेंगे, दे को हम ले जाएंगे, अस को दे या बी में ले जाएंगे। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण कि दैट के बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पूरा सिस्टम जो असर्टिव होता वही चाहिए। मैं मात्र दो एग्जांपल आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे
राम शेड कमेंट कौन बिगेन लेटेस्ट प्ले क्रिकेट अब मैंने कहा था लेटेस्ट है तो सिट जाएगा सजेस्टेड में राम सजेस्टेड कंजक्शन होगा दैट ये चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए जाएगा दे में क्योंकि मैंने कहा था सब्जेक्ट असर्टिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा लिट जाएगा शुड में दे शुड प्ले क्रिकेट। एक दूसरा नियम जो आया यहां पर एक दूसरा सेंटेंस है राम शेड टू अमन कमेंट को बिगिन लेटस सिंग ए सॉन्ग तो हम सीधा से मैंने कहा था सेट टू जाएगा प्रपोज टू सेस्टोर में राम प्रपोज टू अमन दैट ये थर्ड पर्सन है फिर दे में जाएगा दे शुड सिंग ए सॉन्ग। एक सेंटेंस है फर्स्ट पर्सन देख लें आई सेड कमेंट को बिगिन लेटेस्ट कंप्लीट दिस वर्क आई प्रपोज्ड दैट इसको ले जाएंगे हो जाएगा बी शुड कंप्लीट दैट वर्क ये भी इसलिए आया है क्योंकि इधर फर्स्ट पर्सन आई है मैंने पहले भी कहा था यदि फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसको हम बी में ले जाएंगे थर्ड पर्सन आएगा तो उसको हम दे में लेकर जाएंगे। ये टाइप टू पूरा हुआ अब मैं टाइप थ्री पे जाने वाला हूँ टाइप थ्री समझने का प्रयास करें। अगर लेट के बाद मी है हिम है दिम आदि में से कोई एक है तो इसको टाइप थ्री कंसीडर किया जाता है। ऐसे वाक्यों को इंडायरेक्ट निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं नंबर एक कंजक्शन टू होता है। अभी तक हम लेट को शुड बदलते थे ये नो चेंज और जो सेड या सेड टू था ये जाएगा एडवाइस्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड आदि ये सब इस पे जाएंगे। एक सेंटेंस बोलूंगा राम शेड लेट मी सिंग सॉन्ग तो राम रिक्वेस्टेड टू लेट इससे जाएगा हो जाएगा हिम सिंग ए सॉन्ग।
दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड. मैंने इस पर टाइप टू टाइप थ्री दोनों समझाने का प्रयास किया. अगले पीरियड में आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड.